ये जो आपको पूरी बिल्डिंग दिख रही है ये है अरविंद हॉस्पिटल, कॉलेज भी है ये, और यहाँ पे कोविड 19 केसेस का भाई ट्रीटमेंट चल रहा है। सो दिस इज वेरी रिस्की प्लेस। वैसे ये जो मेरा वीडियो था ना, ये टिकटॉक के लिए था। टिकटॉक का कंटेंट और मेरे वीडियो के वर्ड्स कितने मिलते जुलते हैं ना आपस में। लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल आज है 4th जून और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30, और जैसा कि आप देख सकते हो कि हम गाड़ी में एकदम तैयार होके बैठे हैं, ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के। तो अभी जो जाने की तैयारी है वो है इंदौर, और इंदौर इज एमपी का सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरिया है वो इंदौर ही है। मास्क में पहन लेता हूँ ना, और इंदौर हम इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज भाई को वहाँ से लेके आना है। अभी तक तो हम आ जा पा रहे नहीं थे तो वहीं पे अटका हुआ था, और उसके 3 फ्रेंड्स भी थे, बट अभी ये हुआ है कि सारे फ्रेंड्स चले गए और अब वो अकेला है, और वहाँ पे बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है। तो यस, जाना है और लेके आना है, एंड देन वील सी कि रास्ते में कैसा रहता है, बिकॉज खुला तो है बट या फिर भी पूछताछ तो होती है। सो पहले फटाफट निकल लेते हैं अपन। आई होप कि यार अच्छे से सब आ जाए, बीच में ज़्यादा रोक टोक होना। मौसम कितना जबरदस्त मौसम हो रहा है, और ये हम आ गए हैं वीआईपी रोड ऑफ उज्जैन। ये जो सामने आपको दिख रही है, ये सुबह सुबह जो आपको बैरिकेड्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली वॉकिंग और जॉगिंग वाला रोड है। ये जो गेट लगा हुआ है ना, ये गेट से उधर रोड जा रही है जो कि बंद कर रखी है। अभी एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी कि यार गली कूचों वाले जो रस्ते हैं वो अधिकतर करके बंद ही मिलेंगे, तो जो मेन मेन रोड है वहां पे रहेगी चेकिंग, तो चेकिंग करवाते हुए आप पूरा जाओ। देवास रोड, यहाँ से मैं राइट लूंगा और फिर बीच में से बाईपास होते हुए हम लोग इंदौर रोड पे मिलेंगे, और फिर वहां से सीधा कंटिन्यू। अरे अरे अरे, ये देखो कुत्तों को देखो, कुत्ते बेचारे समझते नहीं है, फिर इधर उधर घुस जाते हैं। वैसे मैंने पूरा सेफ्टी ले रखा है यार, ग्लव्स पहने, मास्क पहना है, सैनिटाइजर लेके चल रहा हूँ, 2 ग्लव्स एक्स्ट्रा है मेरे पास, 1 मास्क मैंने एक्स्ट्रा ले रखा है। बाकी आप सामने का नजारा देखो, कितना खुला खुला मौसम है और कितना प्यारा ठंडा मौसम हो रहा है एकदम। अंदर का एसी बेचारा बाहर वाले मौसम के सामने गर्म पड़ रहा है। पेट्रोल पंप ऑन है, क्योंकि सबसे पहले जो पेट्रोल पंप आपको दिख रहा है उससे पेट्रोल भरा लो। ओके भाई, पेट्रोल का काम इज डन, सबसे इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि बीच में अपने को पेट्रोल मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है खुला हुआ। वैसे तो खुला है बट स्टिल क्यों रिस्क लेने का जब अपने को सामने दिख रहा है खुला हुआ है कि नहीं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं उज्जैन की सीमा से बाहर, लेट्स सी फिर अगर कोई चेकिंग मिलती है तो। सो नाउ सामने बैरिकेड्स आ गए, यही है जो उज्जैन का क्रॉसिंग है। यस, बैरिकेड्स जरूर लगे हुए हैं, नो चेकिंग। देखो निकलते टाइम तो ठीक है, आते टाइम इंदौर से नाटक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंदौर इज हाईली कंटेमिनेटेड जोन। तो भाई आप इंदौर से आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे को उसका ज़्यादा टेंशन है। एंड नाउ वी आर ऑन द इंदौर रोड। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कांच पे बारिशों की मोटी मोटी बूंदें दिखाई देंगी, तो इसका मतलब है बारिश चालू हो गई है। और भाई जो बोल रहा था कि इंदौर में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो उसका जो नमूना है हमको अभी से ही मिल गया है। ये लो, हमारे पास उसके लिए औजार है, वाइपर्स। ये देखो आपको लेफ्ट में दिख रहा है, ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रक खड़े हैं। सो ये सब किसान हैं यार, जो अपना सामान बेचने के लिए खड़े हुए हैं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है भाई किसान लोगों को, आप ये देखो। तो बीसीएम पैराडाइज से पहुंच जाएगा ना, आ गया ये टोल तो आ गया है यहाँ का इंदौर वाला। बारिश तो अभी आ नहीं रही है ज्यादा। तो ये जो आपको पूरी बिल्डिंग दिख रही है ये है अरविंद हॉस्पिटल, कॉलेज भी है ये, और यहाँ पे कोविड 19 केसेस का भाई ट्रीटमेंट चल रहा है। सो दिस इज वेरी रिस्की प्लेस। देखिए मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल, क्या बात है जी, क्या बात है। ये तो मुंबई की फीलिंग दिला रहे हैं ये बोर्ड्स मेरे को। एक सेकंड के लिए मेरे को ऐसे ही लगा मुंबई में गाड़ी चला रहे हैं, मैंने कहा वो हम तो इंदौर में पहुंच गए, पहुंच गए। तो भाई ये जो है फाइनली यहाँ पे पहुँच गया इंदौर, वहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई है, और अब ऊपर जाते हैं। सबसे पहले सुसु करते हैं फटाफट, फिर यहाँ से निकलेंगे, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं यहाँ पे। और ये तो इतना साफ दिख रहा है एकदम भाई, साफ कर रखा है घर एकदम, क्या बात है। लो पहले मेरे को सुसु जाना है।
तो भाई अब थोड़ा सा अच्छा लगा, एकदम इतनी जोर की सुसु आ रही थी तब से मेरे को आधे रास्ते में से थोड़ा गीला है इधर जैसा। चलो चलो ज्यादा देर अब रुके नहीं, अब निकले फटाफट यहाँ से। ये घर तो लेकिन काफी बड़ा है यार, इसका क्या रेंट क्या है? 6,000। लो 6,500। ये देखो ये एक रूम, इतना बड़ा हॉल किचन, फिर ये एक रूम और इसमें भी बाथरूम, इसमें इधर भी बाथरूम है ना ये, पर ये यूज नहीं करते हम गंदा, और ये एक रूम 6,500, मात्र 6,500। बैरिकेड्स लगे थे बट कोई रोका रखी कुछ नहीं थी, सभी खुला हुआ और सब लोग आ जा रहे हैं, दूसरी गाड़ियां भी थी। लेकिन ये बारिश आ रही है जोर से, वहां तो नहीं आ रही थी। हो हो हो, अभी बेसन चावल पोहे हैं। चलो ठीक है निकलते हैं फिर अभी। अब हाँ ठीक है, अब हाथ धुला देना, मैंने वो लिया था। चलो भाई अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हो गया हमारा सही। गेट बंद नहीं करना, लेकिन पहले हाथ धो लूँ मैं। कैसी हो रही गाड़ी यार, ये अभी तक ऐसे लटके हुआ, उसके बाद छुआ ही किसी ने कुछ किया ही नहीं, जब से आए तब से बंदी पड़ी। सर यही था मेरा सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। बाकी हाँ, मैं पहली बार घर से निकला था ऑलमोस्ट 70 दिन के बाद अपना लॉकडाउन होने के बाद, और निकलते सीधा इंदौर पहुंच गए फिर। और इंदौर जिन लोगों को नहीं पता तो इंदौर एमपी में सबसे ज़्यादा केसेस अगर जो है वो इंदौर में। बाकी जाना पड़ा था क्योंकि भाई को लेके आना है, और आज है 7 जून और आज मेरे को वापस से अभी इंदौर जाना है। और ये वाला जो ब्लॉग है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। बाकी यार आते टाइम मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था क्योंकि वही रोड वही रास्ता, और वैसे भी दोनों कैमरे बंद हो गए थे, और उसके बाद फिर मेरे को आके ऑफिस भी मेरा चालू करना था। कि हमारा अगर ये छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा ब्लॉग अगर आपको कोई भी रीज़न के लिए अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ तो करिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को जाके फॉलो कर देना, और वो जो छोटा सा मैंने टिकटॉक वाला पार्ट डाला था ना वो वीडियो टिकटॉक पर भी डालूंगा मैं थोड़ी देर बाद, तो फॉलो कर देना।